लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब कैसे है अनूप? अब ठीक है, डॉक्टर ने कहा है एक हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज कर देंगे। अनूप, रहने दीजिए। तुम काहे के लिए आई हो यहाँ? ये देखने के लिए तो हर भाई ने भेजा है कि हमारा बेटा जिंदा है कि मर गया। इस पर क्यों चीख रहे हो? इसका क्या कसूर? हमारे बेटे की उसी की गलती है। ये बेचारी तो खुद ऐसे घर में ऐसे भाई के साथ रहकर न जाने कितनी तकलीफ उठाती होगी। हमारे बेटे ने जो किया है उसका नतीजा हमें चुपचाप भुगतना है। हाँ हाँ, चुप रहेंगे हम, क्योंकि कमजोर इंसान के पास जबान नहीं होती है ना। गलती आपके बेटे की है, आप गुस्से में हैं। अनूप ने बीच रस्ते में रोककर मुझे लेटर देने की कोशिश की, कितनी बार समझाया वो फिर भी मेरे पीछे आता रहा। अंजाम आपके सामने है। हाँ हाँ, पूरी दुनिया गलत है, सिर्फ तुम्हारा भाई सही है। अरे लड़की के पीछे लड़की जाएगी क्या? कोई लड़का ही पीछा करेगा ना? और तुम्हारे चेहरे पर लिखा तो नहीं है कि तुम्हारा भाई गुंडा है, मवाली है? अरे तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी लड़का तुम्हारे प्यार में पड़ सकता है, और इतनी सी बात के लिए हाथ कटवा दिया मेरे बेटे का। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई धूमधाम से तुम्हारी शादी करेगा? देखती रहना, एक दिन कोई लड़का तुम्हें उठा कर ले जाएगा तुम्हारे घर से, और फिर देखूंगा तुम्हारा भाई कितना बड़ा दादा है। अंदर क्यों आप पूजा के टाइम सर पे आके खड़ा रहता है? भाई जी वो कौन? नमस्ते गणपत भाई। हाँ नमस्ते, क्या है? मैं वेद प्रकाश चौधरी, ACP हूं इस इलाके का। मारी जात वाले हो? तभी तो आपके पास आया हूं। की काम है? अपने ही लोग हैं, जो बोलना है बोल ले। क्या है गणपत भाई, एक मुश्किल में फंस गया हूं, आप ही कुछ कर सकते हैं। तू तो खुद पुलिस वाला है, हमारे पास क्यों आया? दरअसल गणपत भाई, मैं कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता, लड़का और लड़की दोनों ही वाले हैं, जात की इज्जत दांव पर लगी हुई है, बस आप ही मेरी नाक बचा सकते हैं। कौन है वो छोरा, रहता कहाँ है? जयराज कौन है? मैं हूँ। तू है? मैं। चौधरी यही है। देख भाई, भूल जा इसकी छोरी को। नहीं, मैं उसे नहीं भूल सकता, मैं उसे सच्चा प्यार करता हूं। प्यार करता था, अब भूल जा। नहीं, मैं उसे नहीं भूल सकता। चौधरी, अपनी नजर में कानून की बहुत इज्जत है, इसलिए कानून के सामने कोई गलत काम नहीं। नहीं, आंख बंद कर या मुंडी उधर घुमा। साले नहीं भूल सकता तू, चटनी से प्यार करेगा। चटनी से नहीं भूल सकता तू, साले इतनी औकात के लिए साले चटनी से प्यार करेगा साला। साला जान ले लूंगा मैं तू, चटनी से प्यार करेगा साले इतनी औकात के लिए साले। साले तेरे को तो कर दूंगा मैं। छोड़ 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 छोड़
हरनानी इसको हरनानी इलेक्शन सर पे है, हवा भी कर सकती है। अरे इसे बाहर करेगा साला, इतने पट्टे का दरवाजा किससे मरवाते पॉलिटिक्स में, अपने हाथ से नहीं करते कुछ। अरे अपने हाथ से नहीं करते, समझा कर, मैं कहता हूं समझ, चट ले जा इसे। तीन बार पूछ लेना, अगर फिर भी ना माना तो काट डाल साले को। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मारी बैना है। आ भैया, लग रहा है भैया थोड़ा सहन नहीं कर सकती के हाँ? कैसे सहन करेगी, दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है, कोई टेंशन है के? अरे रे 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 रे, अब बोलोगे कि मैं खाना भी नहीं खिलाती है ना? मारी बहना है, कोई छोरा परेशान कर रहा है क्या तुझे? भैया नहीं, कोई परेशान नहीं कर रहा है मुझे। दुख भरे दिन बीतर भैया, अब सुख आयो रे। नाम क्या है उसका? भैया मैंने बोला ना, कोई नहीं है भैया। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही ना तेरी? हाँ जी भैया। वो भी वही कॉलेज में पढ़ता है के? भैया मैंने आपको, मैंने बोला ना भैया कोई नहीं है। मजाक कर रहा था मैं, डर गई। आजा आजा बाल बना। दुख भर दिन बीतर भैया, अब सुख आयो रे। क्या चाहिए, क्यों पीछा कर रहे हो? हाँ Yeah.
रहता का वो गणपत जाने दे। रहता का वो जमुना पार निकल साले बाहर निकल शिवानी क्या क्या हुआ ए सिद्धार्थ कहाँ है क्यों क्यों बता कहाँ है वो बोल हेलो पापा मैं श्रुति बोल रही हूँ पापा यहाँ पर कोई है पूजा मम्मी को बहुत डर लग रहा है पापा ए सुन लिया ना मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी बच्ची और बीवी दोनों यही हैं वहां अगर किसी को कुछ भी हुआ एक खरोच भी आई काट के रख दूंगा चल हाथ हटाओ हटाओ तू क्या समझता है सिर्फ मेरा ही परिवार है तेरा कोई नहीं जो तू मेरे साथ करेगा मैं तेरे साथ भी कर सकता हूं अब निकल मेरे घर से निकल चलो चलो क्या हो गणपत पूछो मत चलो छोड़ दिया कुछ नहीं किया चल 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 कुछ नहीं किया अरे चल 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 दे चल दे अरे ये सब क्या है चल 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 जल्दी जल्दी बैठ 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 गाड़ी में चल जल्दी ए चल 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 दरवाजा बंद कर चल 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 जल्दी 8357 अरे आप कौन सी टेलीफोन डायरेक्टरी देख रहे हैं ये डायरेक्टरी पुरानी है नंबर बदल गए होंगे कोई फायदा नहीं है तुम टेंशन क्यों ले रही हो सिद्धू 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 चार पांच लोग आए थे तेरे जीजा जी के साथ बदतमीजी कर रहे थे तुम्हारे बारे में भी पूछ रहे थे तुम ठीक तो हो ना हाँ मैं ठीक हूँ मेरे कॉलेज में एक और लड़का है जिसका नाम सिद्धार्थ है वो लोग उसे खोजते हुए गलती से यहाँ आ गए होंगे डरने की कोई बात नहीं लेकिन वो गुंडे जैसे लग रहे थे दीदी मैंने कहा ना डरने की कोई जरूरत नहीं श्रुति 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 तू ठीक तो है ना क्या हो रहा है ये सब ऐसा तो कभी इस घर में नहीं हुआ क्या है ये पापा उसने यहाँ चाकू लगाया देखिए देखिए इसे लेकर अंदर जा जा अंदर नहीं नहीं चेंज कर दो नहीं मैं कह दो शांत हो जा घुपे बस बहुत गुस्सा रहा ना बहुत गुस्सा रहा ना मार मुझे निकाल ले अपना गुस्सा तो क्या करूं बीवी के गोद में जाके बैठ जाऊं नहीं बैठना नहीं है मारना है पर अभी नहीं ये पहली बार नहीं छोरा बहुत तेज है दोबारा हमारा दांव उल्टा बैठा तो लोगों के दिलों से हमारा डर निकल जाएगा थोड़े दिन शांत बैठ हाँ बैठ जाता हूं घर में चूड़ियां पहन के देख ये मत भूल हमारी बच्ची उसके पीछे नहीं है वो हमारी बच्ची के पीछे पड़ा है हाँ हमने आज उसे मारा पीटा तो हो सकता है हमारी बच्ची के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाए इसलिए अब जो भी करना है सोच समझ के करना है भाई जी फूफा जी ठीक ही कह रहे हैं अब तू समझाएगा मुझे हाँ चल सिद्धू यहाँ क्यों लेके आए अंदर चलो बहुत सारी बातें करनी तुमसे भैया ने मुझे देख लिया तो अरे इतने बड़े शहर में क्या यही एक जगह है जहाँ तुम्हारा भाई तुम्हें देख लेगा क्यों इतने बड़े शहर में बार बार तुमने मुझे इधर उधर नहीं देखा क्या मुझे डर लगता है प्लीज तुम पहले चलो मैं बाद में आती हूँ से 5-10 मिनट में निकल चलेंगे
तुम भी टाइम बॉम्ब की तरह टाइम गिनती हो, एक मिनट दो मिनट, समझ में नहीं आता क्या करूं। तुमसे इतनी बातें करना चाहता हूं लेकिन जैसे तुम्हें देखता हूं सब कुछ भूल जाता हूं। भले ही मैं तुमसे दो चार मिनट के लिए मिलूं पर सारा वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूं। उठते बैठते सिर्फ तुम ही नजर आते हो, ना पढ़ पा रही हूं ना ठीक से सो पा रही हूं, और जरा सी आंख भी लगती है तो सपनों में भी सिर्फ तुम ही नजर आते हो। मैं तुम्हारे सपनों में ख्यालों में 24 घंटे रहता हूं लेकिन तुम मेरे सपनों में भी टाइम फिक्स करके आते हो। मैं क्या करूं सिद्धू, यही हमारी किस्मत है। सिद्धू प्लीज मुझे बहुत लेट हो रहा है अलमी को। अरे अभी तो आए, कुछ खा के निकलते हैं। नहीं मैं जा रही हूँ। जानवी फिर कब मिलोगी? देखूंगी। सिद्धू ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझसे बिना पूछे मुझे यहाँ लेके आए। भैया के आदमी आ रहे हैं, अब क्या करेंगे? पकड़े गए से तू सभी यही है, फूफा जी भी है। चुप, तू ही पकड़ लोगे। हेलो, हाँ क्या? हाँ फिक्र मत करो, देखता हूं मैं। चलो रे जल्दी आओ। सिद्धू वो लोग गए, चले गए। सिद्धू क्या हुआ? सिद्धू पकड़े गए। क्यों? वो देखो। कौन है वो? जीजा जी। जीजा किसके? अरे मेरे जीजा जी। मैं जा रही हूँ। नहीं जानवी मैं जा रही हूँ। कौन थी वो लड़की? कौन? ओ वो पहचान की है। क्या नाम उसका? स्टेला। स्टेला? स्टेला? क्रिश्चियन? नहीं 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 जानवी। पर अभी तो तुमने स्टेला बोला। कब मिले थे उससे? मैंने पूछा कब मिले थे उससे? 5 महीने पहले। 5 महीने? जी। तुम्हें दिल्ली आए भी 5 महीने हुए ना? जिस दिन आया था उसी दिन मुलाकात हुई। ओ, तुम्हारी दीदी को पता? नहीं 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 उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। उसे पता चला तो सीधी बात इलाहाबाद पहुंच जाएगी और पूरे महाकुंभ को पता चल जाएगा कि उसके भाई का किसी लड़की के साथ प्यार है। दीदी को पता भी नहीं चलना चाहिए हा? पर उससे कोई बात छिप भी नहीं सकती, वो कैसे भी पता करवा लेगी। अब क्या करें? एनीवे तुम घबराओ मत, हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे ना हा?